देखिए, परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है और रीट के समन्वयक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं डीपी जारौली, वो इस समय हमारे साथ में। सर, बेहद महत्वपूर्ण था ये परिणाम, पूरे प्रदेश की निगाहें इस पर लगी हुई थी और सबसे बड़ी बात है कि मात्र 36 दिन में इस परिणाम को जारी कर दिया गया। मैं आपको 36 दिन नहीं कहता, अलवर की परीक्षा 16 अक्टूबर को हुई थी, तो आप इसको अगर 16 दिन कहें 17 दिन कहें तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि इस वजह से इसकी उस परीक्षा को करवाने में भी दोबारा से प्रश्न पत्र से लेकर उनमें भी हमने सभी से आपत्तियां भी मांगी है, परिणाम जारी करने से पहले की हमने जारी करी है, आज भी हम की जारी करेंगे। जो फाइनल हुई है वो उत्तर कुंजी आज जारी होगी, 3 परीक्षाओं के लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 2 16 अक्टूबर वाले। परिणाम आज जारी कर दिया गया, पहली चीज तो परिणाम को हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे और परिणाम के बाद में अगर हम नियुक्तियों की बात करते हैं, क्योंकि 31,000 शिक्षकों की इसके माध्यम से भर्ती होनी है, तो उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है वो जानना चाहेंगे। देखो, परीक्षा परिणाम में हम केवल पात्रता देते हैं, परीक्षा एजेंसी का कार्य इसमें भर्ती के लिए नहीं है। परीक्षा में पात्र, जिसमें आपको पता है सामान्य श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए 60% या इससे ऊपर वाले पात्र होंगे, दूसरी श्रेणी में 50% होंगे, एससी एसटी वगैरह इनका 50% है, 40% है हमारे पीएच फिजिकल हैंडीकैप, और जो ट्राइबल है उनके लिए 36% है एलिजिबल होने के लिए, वो पात्र माने जाएंगे। इन मार्क्स में, इन अंकों में, जब ये अंकों के लिए मेरिट के लिए जाएंगे तो इसके लिए दूसरी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में, वहाँ पर इनके एकेडमिक इंडेक्स का 10% मार्क्स इसमें जोड़ा जाएगा, उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बाद सरकार नियुक्तियाँ देगी और नियुक्तियाँ जल्दी देने का प्रयास करेगी, क्योंकि स्कूल विद्यालय खुल चुके हैं और विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, उसे पूरा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी भी रिक्तियां हैं उनको पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं और की जा रही है, जिससे कि लोगों को भी रोजगार मिले और पढ़ने वाले बच्चे वो सफर नहीं कर रहे। परिणाम के साथ में मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है और जो नहीं है, ये मेरिट नहीं है, पात्रता में हमने ये बताया ये अभी टॉपर रहे, मेरिट तो बाद में बनेगी जब इसमें इनके एकेडमिक इंडेक्स के मार्क्स जुड़े जाएंगे, उसके बाद मेरिट बनेगी, ये मेरिट नहीं है। अदालत के आदेश पर कुछ परिणाम रोके गए हैं? हाँ, अदालत के आदेश पे हमने लेवल प्रथम में जो बीएड और डीएलएड वाले अभ्यर्थी जिन्होंने अप्लाई किया था, अदालत ने आदेश दिया था इनको प्रोविजनली बिठाया जाए, अदालत ने कहा कि इनका परीक्षा परिणाम अदालत के निर्णय तक रोका जाए, ये अदालत का ही फैसला। हम जानते हैं कि हम न्यायालय, माननीय न्यायालय की जो है वो सभी को मान्य होती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी मान्य किया, उसको मानना आवश्यक है, हमने माना है, उनका परिणाम रोका है, शेष अभ्यर्थियों का निकाल दिया। तो ये हमारे साथ में थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष और रीट के समन्वयक डीपी जारौली साहब, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि परिणाम जारी कर दिया गया है, अब जो नियुक्तियां हैं उसका फैसला माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को लेना है। जी बिल्कुल मनवीर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। और जिस तरीके से मनवीर ने अभी बात करी थी महासचिव अध्यक्ष डॉक्टर